सड़क पे पड़ा तड़प रहा था बेचारा, किसी ने मदद नहीं की, नहीं तो बच भी सकता था। सर उस शशांक का तड़पता चेहरा अभी भी आंखों के सामने घूम रहा है। हाँ सर, बिना बात के मौत हो गई। ऐसे सुनसान जगह पे फोटो खींचने अकेले नहीं जाना चाहिए। हाँ, जवान लड़का घर से निकला घूमने के लिए, दबदबे की फोटो ले रहा था, मारा गया। सुशांत, सुशांत क्या? मारूं ढाकला, मारूं ढाकला। कुनाला माला दबदबे के पास, दबदबे के पास जो मार दिया। किसने मारा? पानी पल आराम से मारा। किसने सचान? दबदबा, दबदबा खतरनाक है। दबदबा सचान, ये दबदबा कहाँ है? कहाँ पे है ये दबदबा? हाँ, भोसे घर। भोसे घर 1000 फीट गहरा, जो गिरेगा वो मरेगा। शशांक, खून किसका हुआ? खून किसका हुआ शशांक? कैमरा है मेरा उधर। कैमरा कहाँ? कहाँ है कैमरा? पानी में, पानी में। शशांक, शशांक छोड़ेंगे नहीं उसके खूनियों को। अरे सुनो भाई, ये हाँ साहब, ये इधर भोसे घर का रास्ता किधर? इथुन सरल है सर, 25 किलोमीटर पूरे है। 25 किलोमीटर उधर दबदबा है क्या कोई? हाँ सर, मोटा दबदबा है। ओके थैंक यू। जगह काफी खूबसूरत है वाकई, और ऐसी खूबसूरत जगह में उस बेचारे का खून हो। हाँ, तभी तो फोटो ले रहा था यहाँ की वो, और एक नहीं दो दो खून। उसके खून का राज उस कैमरे में कैद है, और वो कैमरा यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। कैमरा यहीं कहीं पानी में गिरा है, अंदर ढूंढो।
सर उसने कहा था कि झरना बहुत खतरनाक है। देखते हैं झरने के पास क्या हुआ है यहाँ पे। हाँ सर, आवाज तो आ रही है, बहुत ही खतरनाक। संभाल के हैं? ओके, ठीक हो तुम? मुझे लगा था कि झरना बहुत खतरनाक है। एक मिनट, कैमरा है। इसका मतलब इस आदमी का खून यहीं पे हुआ है। हाँ, यहाँ पे मारा होगा। रुक, अबे कहाँ जा रहा है? रुक जा, छोड़ेगा नहीं तेरे को। पकड़ सुंदी। अरे पकड़, रुक, छोड़ना नहीं इसको। रुक, अरे भाग, पकड़ ले। अरे भाग जा, रुक, पकड़। रुक जा! अरे रुक, अरे मैं बोल रहा हूँ, रुक जा! यहाँ पे पकड़ा उसे, सिर पे डंडा मारा और कैमरा गिर गया। देखते हैं झरने के पास जाते आखिर हुआ क्या वहां। संभाल के जगह तो वाकई बहुत खतरनाक है, मगर ये झरना हजार फीट गहरा तो नहीं लग रहा। सर वो आगे वाला है सर। हाँ बहुत तेज है सर। फिर डर लग रहा है क्या? नहीं सर, वो चक्कर आ रहा है सर। अभिजीत, हाथ पाइप पकड़ना। अभिजीत दोनों हाथों से पकड़ लो। निकल ऊपर खींचो, पूर्वी श्रेया खींचो ऊपर, खींचो। अभिजीत, ऊपर खींचो। आ,
निकल खींच। सर पकड़ के रोके। मालूम है नीचे मौत है अभिजीत, हार्ट अटैक हो, कुछ नहीं होगा। मालूम है यार, लेकिन तुम सबकी जान खतरे में, छोड़ो मुझे, सब मरोगे तुम। कोई नहीं मरेगा अभिजीत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पांच लोग जान खतरे में नहीं डाल सकता मैं, मुझे जाने दे, छोड़ दे मुझे जाने दे। कुछ नहीं होगा, ऐसा मत बोल, फोन कर। हाँ छोड़ दे, हाँ छोड़ दे। नहीं दोस्त, तुझे नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे दिया तो मरेंगे, छोड़। मैं नहीं जानता, तुझे मरने नहीं दूंगा। निखिल ऊपर खींच, क्या कर रहे तुम? यार तुझे तो दोस्ती की कसम है तेरा। नहीं अभिजीत, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं छुड़ा रहता। अभिजीत नहीं, नहीं अभिजीत, अभिजीत क्या कर रहे हो तुम? सर पकड़ के रोके। ये जैसा दोस्त दुनिया में और दूसरा कोई नहीं मिला। ये क्या कह रहे हो तुम? बात है अभिजीत, जैसे ऑफिसर इसलिए मर सकते, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। सर, हम भी अपनी जान दे देंगे सर। तो चलो साथ में नीचे।
Abhijeet! पानी बहुत गहरा था इसलिए इसलिए बच गया यार। बच गया। एक बार भी सोचा हमारा क्या होगा? वहीं बोल के निकल लिया तू, हाँ? ये भी सोचा कि हम पर क्या बीतेगी? सोचा था यार। इसलिए तो अपनी जान के लिए तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता था यार। आगे से कभी ऐसा किया ना जीत, तो याद रखना मैं आपको हमारी कसम, अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ भी किया ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे। अभी जान देने का नहीं, काम करने का टाइम है। अभिजीत तुम हॉस्पिटल चलो, तुम्हारी हालत खराब है, चलो। मैं ठीक हो गया। पहले पहले वो जो फोन कैसे हुए वो हम देख लेंगे, वो पता लगाना है। नहीं कैमरा निकालो, कैमरा निकालो, कैमरा ये दबदबे के पास फोन हो रहा है, हमें जाना होगा, दबदबे के पास जाना होगा। बिल्कुल वही जगह है दया, जहाँ पे वो लोग किसी को मार रहे थे। अगर यहाँ पे किसी को मारा गया है तो फिर लाश कहाँ है? लाश वहाँ, चलो वहाँ देखते हैं। यहाँ पे गुफा है, देख बड़ी अजीबो गरीब गुफा है। ये देखो लाश तो नहीं है लेकिन शायद उसका जूता है, लगता है उसका जूता मिल गया। जूता बिल्कुल नया लगता है, बेचारा। अरे ये क्या, ये देखो तो, ये देखो जूते में चांदी है। चाबी इसलिए कर रहे थे क्या इसका खून? सतारा में और इसके आसपास
जितने भी लोग गायब हुए हैं उन सबके बारे में पता लगाते हैं। पता चल जाएगा ये जूता होगा। ये जूता अभिजीत सर, सतारा और आसपास की जगह से पिछले हफ्ते एक ही आदमी अपने घर से गायब हुआ है। उसकी फोटो मिली है? हाँ सर। सर उसका नाम मदन है सर, उसकी वाइफ ने इसे गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई है। पता नहीं जी ये जूता किस आदमी का है भी या नहीं। सर शायद उसका घर यहीं पर। सर एक सेकंड, ये गडकर गली कहाँ पर है? एक है ये समोर है टिकड़े। थैंक यू। वेलकम सर। यहीं पर ये रहा 2x8, उसी का घर है। आप मदन की पत्नी है ना? हाँ आप? हम लोग CID से हैं, मुंबई से। CID से? वो जिंदा तो है ना? देखिए कुछ कुछ कह नहीं सकते हैं आप। जरा ये जूता देखिए, ये जूता मदन का है ना? हाँ सर, पर इस पे तो खून लगा हुआ है। हाँ उसने कभी सीधा काम किया ही नहीं, कभी किसी से मारपीट की, कभी किसी से पैसे छीने। मदन जिस दिन गायब हुआ उससे पहले 2 गुंडे आए थे उसे ढूंढते हुए। कौन थे? मालूम नहीं सर। अच्छा श्रेया जरा वो चाबी दिखाना जी। सर ये चाबी हमें इस जूते में छिपी हुई मिली है। क्या आप जानती हैं ये किस चीज की चाबी है? मुझे तो नहीं मालूम सर। अच्छा कोई और है जो इस चाबी के बारे में कुछ जानता हो? गिरीश बता सकता है। गिरीश? कौन गिरीश? गिरीश वही जिसने मदन को बिगाड़ा, उसने मदन को गुनाह करना सिखाया। अच्छा मतलब ये दोनों ज्यादातर साथ में रहते हैं? हाँ, किसी बड़े आदमी से पैसे लेके उसके लिए गुनाह किया करते थे। अच्छा इस गिरीश और मदन इनका कोई फोटो है आपके पास? देखती हूँ शायद मिल जाए। दोनों की साथ में ही है, ये है गिरीश और ये मदन है। हाँ। अच्छा ये गिरीश कहाँ रहता है कुछ मालूम है आपको? वो वाड़ा में काम करता है। वाड़ा? बड़े श्रीमंत लोग हैं, कुमुदिनी बाई साहब, उन्हीं के यहाँ पे काम करता है वो। ओह वाड़ा।
इस घर में कोई बिना बुलाए नहीं आ सकता है। जी। कौन है आप लोग और इस पूजा के दिन ही आने की क्या जरूरत थी? माफ करना, हमें मालूम नहीं था कि आपके घर में पूजा चल रही है। फिर बस चले आए ऐसे ही? नहीं, काम है बहुत जरूरी। अभी आप जाइए, फिर कभी आना। हमें एक चीज मिली है जिस पे खून लगा हुआ है। सिर्फ खून लगा हुआ है बोला तो हाथ से ये पूजा की थाली नीचे गिर गई है? कुछ और बोलूंगा तो बवाल मच जाएगा। आप है कौन? हम लोग सीआईडी से हैं, मुंबई से। आप? मैं योगेश्वर, इस वाड़े का मालिक। और ये मेरी पत्नी कुमुदिनी। देखिए सर, मामला बहुत गंभीर है और हम लोग बिना इंक्वायरी के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। देखिए, हम इज्जतदार लोग हैं। शायद एक खून हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्यों? यहाँ आने की क्या जरूरत है? जरूरत है जरूरत। एक आदमी का खून हुआ है और जिस जगह उस आदमी का खून हुआ उस जगह से हमें एक जूता मिला है, खून से सना हुआ जूता। ये है वो जूता। आप में से कोई इस जूते को पहचानता है? बताइए किसका है ये जूता? जितनी जल्दी हो सके आप लोग निकल जाओ यहाँ से, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है आप सब लोगों के लिए। चलो निकलो। होगा, आपको गलतफहमी हुई है। इनका बहुत ऊंचा नाम है, शहर के सारे लोग इनकी तारीफ करते हैं और आप बिना वजह इनको। एक मिनट, आप कौन? ये समीर, और इस फैमिली को मैं सालों से जानता हूँ। तो, मतलब आप इस घर के सदस्य नहीं है? लेकिन घर वालों से भी ज्यादा है, हम साथ में बिजनेस करते हैं। जी, जिस आदमी का खून हुआ उसकी वाइफ ने हमें बताया कि उसका एक बदमाश दोस्त है, उसका नाम गिरीश है। एक के बाद एक थालियां गिर रही हैं। ये हाथ क्यों कांप रहे हैं आप सबके? जरा गिरीश को बुलाइए। गिरीश यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है? दो दिन से छुट्टी पे गया है वो। अगर नौकर छुट्टी पे चला गया तो हम क्या करें? हाँ? आप उनका टेलीफोन नंबर ले लीजिए और चल पड़िए। हाँ, हाँ, चलो भाई चलते हैं। सॉरी सर। सर आपने वो दिखाया नहीं? अरे हाँ, ये अब क्या है? इस चाबी को पहचानते हैं आप? इस पे HTW लिखा हुआ है। अरे सर, भाई ये तो हमारे घर की चाबी है। सर हमारे वाड़े की सभी चाबियों पे HDW लिखा गया है। लो, हो गया काम। आपके घर की चाबी मेरी जेब में कैसे है? चुरा ली होगी। नहीं, ये चाबी इस जूते में रखी हुई थी, यहाँ पे। है कहाँ की ये चाबी? उस आदमी ने ये चाबी छुपा के रखी थी जूते में। ये चाबी जिस ताले की होगी वहां पे कुछ तो खास होगा। कहाँ कहाँ की चाबी है ये? हमें मालूम नहीं है ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, लगता है सीधे उंगली से घी निकलने वाला नहीं है इस घर में। इस घर के एक ताले को एक चाबी लगा के देखते हैं, चलो। अरे रुको, किसी को मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। कुमुदिनी प्लीज, इन्हें इनका काम करने दे। CID ऑफिसर से ये ऐसे मानने वाले नहीं है। चलो ठहरो, मैं भी आती हूँ आपके साथ।
रुको यहाँ पे, कोई नहीं आएगा मेरे पीछे। वो रहा एक ताला। तुम्हें नहीं, पहला मैच ड्रॉ हो गया। तोते फड़फड़ा रहे हैं सर। चलो लगता है कुछ मुसीबत आने वाली है। सीआईडी तो मुझे नहीं, अब तो सारे मैच ड्रॉ हो गए। और भी ताले हैं। पांच ताले देख लिए, छठा भी देखूंगा और सातवां भी देखूंगा और ये आठवां भी। हाँ हाँ, नौवां भी देखिए, दसवां भी देखिए। इतने ताले हैं हमारे घर में, पता नहीं मैंने कभी गिने नहीं। ये भी नहीं खुला। अब क्या करें सर? सर, सर, एक तहखाना है। तहखाना? नो, नो, वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी मैं। वहाँ हमारी प्राइवेट चीजें रखी है। मगर हम देखेंगे जरूर। आप भी चलिए हमारे साथ। चलिए। चेहरे पे ये हवाइयां क्यों उड़ रही है? आप हंसो। मैंने इन लोगों से कहा था हंसने के लिए। मुर्दा, मुर्दा,
लाश। लाश? हाँ, लाश। पुरानी सड़ी हुई लाश। आपके घर में ये लाश ना जाने कब से सो रही है, देखिए। मम्मी! ये लाश यहाँ की लाई? चुप! मुझे क्या पूछती है? हम तो यहाँ 3 महीने पहले रहने के लिए आए हैं। 3 महीने पहले? तो उससे पहले कहाँ थे? हम तो सालों से अमेरिका रहते हैं। हम यहाँ 3 महीने पहले ही शिफ्ट हो गए। तो फिर इस घर में कौन रहता? गिरीश यहाँ की देखभाल करता था, वही रहता था। तुम्हारा मतलब है कि उसने किया ये सब? और किसने किया? जरा उसका नंबर दे। बोलिए। 1795-638-45। फोन यहीं पे है। किसका फोन है? किसका फोन है? हमारा नहीं है। हमारा नहीं है। इसका मतलब गिरीश यहाँ पर चिकित्सा होता है। फोन अभी भी बज रहा है। किसका फोन बज रहा है? सर मेरा नहीं। सर मेरा नहीं। पता नहीं किसका बज रहा है। एक बार फोन की घंटी बाहर से आ रही है। फोन किसका बज रहा है यहाँ पे? फोन किसका बज रहा है? घंटी किसकी बज रही है यहाँ पे? क्या आवाज साहब? अभी कोई बाहर आ गया इधर से। अभी कहाँ गया? फोन ना पूरी पैड निकाला। उसका फोन अभी भी ऑन है। देखो कहाँ कहाँ जाता है। बैठो पीछे बैठो। वो अभी अभी यहाँ से निकला, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है? हाँ सर, सिग्नल आ रहा है। कहाँ पर? आगे सर, इसी रास्ते पर। सर राइट 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 लेना। ओके ओके। सर लेफ्ट, सही वाला लेफ्ट। हाँ सर सिग्नल आ रहा है। हाँ सर सिग्नल आ रहा है। हाँ सर सिग्नल आ रहा है। आगे सर इसी रास्ते। सीधे सर आगे। सिग्नल बंद हो गया सर। हाँ यहाँ पे, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक काम करो, चारों ओर फैल जाओ, देखो ये कहीं आसपास होगा। फोन ऑफ करके एक घास में फेंक दिया होगा। वो आदमी यहीं कहीं छुपा होगा, ढूंढो उसे। बच के जाना नहीं चाहिए वो।
सर यहाँ नहीं है। वो आदमी गया तो गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं उसका किसी ने खून कर दिया? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.